हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज जाओ, बच्चों को लेकर आओ। कोई बच्चों को हाथ नहीं लगाएगा, नहीं, बच्चों को कुछ मत करो, प्लीज बच्चों को कुछ नहीं करना, मैं बच्चों को कुछ नहीं करूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कहा ना मैंने, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ शोर सुनाई दिया था। कैसा शोर? यही अपनी कार के पास, मैंने खिड़की से बाहर झांक कर भी देखा था, पर कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये क्या है? खून लगा हुआ है इसे, देखना रवि ये जिंदा तो है ना। बच्चे कहाँ है? वहां उस तरफ। बेटा क्या हो गया आपको? आओ यहां पर आओ। बड़ी प्यारी बेटी है ये, कैसे हो बेटा तुम? हैं? घबराओ मत बेटा, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाने आए। अरे ये सारी चोट लगी आपको, आपने दवा नहीं लगाई? आपने इसको दवाई नहीं लगाई? क्या करें सर? सर ये हाथ ही नहीं लगाने दे रही। नहीं मैं लगा देता हूँ, दवाई तो लगानी पड़ेगी। मैं लगा देता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा, सच में। अच्छा मैं लगाता हूँ, देखो लगा? नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। देखे देखे एक एक में बेटा लगा? नहीं ना, नहीं कर। ये वाला हाथ देना बेटा। शाबाश, तुम तो बहुत बहादुर बेटी हो यार। क्या नाम है आपका? देखो मैंने अपना नाम नहीं बताया और इनसे नाम पूछ रहा हूँ। मेरा नाम अभिजीत है। अब आपकी बारी, क्या नाम है बेटा? अच्छा चलो ठीक है, बाद में बता देना। आप ये बताओ कि ये चोट कैसे लगी आपको, और ये जो आपके फ्रॉक में खून है ये कहाँ से आया? क्या
क्या हुआ था है? अरे वाह, आपकी गुड़िया तो बहुत प्यारी है। मैं देखूं आपकी गुड़िया? क्या हुआ? आशु भैया। आशु भैया कौन? क्या हुआ आशु भैया को? हाँ, आशु भैया। आशु भैया, ठीक है, हम देखते हैं आशु भैया को। आप आइए हमारे साथ, आइए, हम आशु भैया को ढूंढेंगे, ठीक है? हम आशु भैया को ढूंढेंगे, ओके। चलना, कितना ड्रामा करेगी? बताती है या नहीं? पता माल कहाँ? मुझे माफ कर दो, I'm sorry. मुझे पता है मुझे नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे जाने दो। तुझे बॉस का माल चुराने से पहले सोचना चाहिए था। पता माल किधर? अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम मुझे जाने दोगी ना? तुम्हारे पास वैसे भी दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। बताती है या मैं? बता, मुझे जान प्यारी है ना? बता, बताती हूँ, बताती। घर में मैंने छुपा के रखा है। Goodbye. आपको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है? अरे वाह, मैं तो चॉकलेट आइसक्रीम ही लेकर आया हूं। अरे ये लो, ये लो, आपकी फेवरेट आइसक्रीम। कैसी है? वाह 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 वाह, फेवरेट आइसक्रीम। आपको मेरा नाम याद है? आइसक्रीम चाहिए? अभिजीत। क्या? अभिजीत। अभिजीत, अरे वाह वाह वाह, आपको तो मेरा नाम याद है, लेकिन मुझे आपका नाम याद नहीं है। मैं अभी कितना बुद्धू हूँ, आपने अपना नाम तो बताया नहीं, तो याद कहाँ से रहेगा? आन्या। आन्या, अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा नाम है आन्या। ये आपकी डॉल बहुत प्यारी है, बिल्कुल आपकी तरह। रिमझिम। रिमझिम? कौन कौन रिमझिम? डॉल। अरे वाह रिमझिम, ये तो बहुत प्यारा नाम है। रिमझिम आइसक्रीम खाती है? नहीं नहीं नहीं, आन्या खाती है। मिसिंग पर्सन्स की सारी डिटेल चेक की मैंने, इस बच्ची के गायब होने की कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई कहीं भी। जिम जिम, मैं तुम्हें आइसक्रीम नहीं खिलाऊंगा, अन्या को ही खिलाऊंगा। ये लो अन्या को आइसक्रीम। अच्छा अन्या, आप यहाँ वहाँ घूम रहे हो, हमारे साथ हो, आपकी मम्मी डैडी तो बहुत परेशान होंगे। मौसी जी कहती है कि मम्मी पापा तो भगवान के पास चले गए। अच्छा, तो आप मौसी जी के साथ रहती हो फिर? देखा, मुझे कैसे पता चला? आप रहती हैं, मौसी जी रहती हैं, और आशु भैया। बेटा परेशान मत हो, हम ढूंढ लेंगे उनको, है ना? अन्या, आप कहाँ रहते हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं रिमझिम से थोड़ी बात करूं क्या? अच्छा रिमझिम, एक बात बताओ, तुम स्कूल जाती हो अन्या दीदी के साथ? मेरे साथ जाती है। अरे स्कूल जाती हो तुम? कौन से स्कूल में जाती हो रिमझिम तुम अन्या दीदी के साथ? गुड एंजल। गुड एंजल, हाँ, गुड एंजल, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आप एक काम करिए, आप पूर्वी आंटी के साथ थोड़ा कमरे में जाइए, वहां पे आराम करिए, हैं? और भी आइसक्रीम खिलाएंगे पूर्वी आंटी आपको, हैं? जाइए आप। अच्छा
गुड एंजल लड़की जहां से मिली थी उसके आसपास ही गुड एंजल स्कूल होना चाहिए। इंस्पेक्टर के स्टॉप से एसीपी सर के बारे में कुछ पता चला क्या? सर छानबीन चल रही है लेकिन बॉडी अब तक नहीं मिली। बोट बस अभी पहुंची है बॉस। और बीच में कोई बोट में चढ़ा उतरा तो नहीं? नहीं। अच्छा आप इसमें क्या ढूंढ रहे हो बॉस? हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जो जहाज के कंटेनर में छुपकर इंडिया पहुंचा है। कौन है ये बॉस? एसीपी प्रद्युमन। हाँ ढूंढो उसे। अरे इसे छोड़ो और एसीपी को ढूंढो। देख रहे हो? बोलो इसे, बोलो फटाफट। खून के निशान और इधर से टूटा भी है, इसका मतलब इसे अंदर से खोला गया है। बोट रुकने से पहले वो पानी में कूद गया और तैरता हुआ निकल गया। पूरा इलाका छान मारो और जहां भी दिखे उसे फौरन गोली मार दो। शो, तुम उस घर के अंदर जा पाओगे? हाँ मेरे पास उस घर की एक्स्ट्रा की है। ये 50,000 रुपए, बाकी के 50,000 काम होने के बाद। लेकिन याद रखना घर के अंदर जो तुम्हें पैकेट मिलेगा वो पैकेट किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। एक बात और, उसे खोलकर बिल्कुल मत देखना और ना ही इस बारे में किसी को कुछ कहना और हमें धोखा देने की बिल्कुल कोशिश मत करना वरना अगला दिन देखना नसीब नहीं होगा। नहीं नहीं उसकी नौबत नहीं आएगी, आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। जाओ जल्दी ये काम करो और हमें फोन करो। ये तो अन्याय, इसके कपड़ों में इतना सारा खून, क्या हुआ इसे? नहीं बाब ज्यादा चोट नहीं लगी है, बस कुछ खरोंचे हैं लेकिन बहुत सदमे में है बच्चे। आपको आने का घर पता है? जी सर। सर ये रहा सामने आन्या का घर। पीछे बैठिए, हम लोग सीआईडी से। इधर आइए आप लोग, क्या हो रहा है यहाँ पे? सर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। उस तरफ से खिड़की का कांच भी टूटा हुआ है। ओके पीछे जाके वो खिड़की से अंदर जाओ और दरवाजा खोलो। आप लोग कौन? जी हम लोग यहीं आसपास में रहते हैं, पड़ोसी हैं। जी मैं यहाँ अपनी नौकरानी मीना को ढूंढने के लिए आई थी, मेरे यहाँ भी वही साफ सफाई करती है। काफी देर से बेल बजा रही थी पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। पूरा घर उथल पुथल हो रखा है, लगता है कुछ बहुत भयानक हुआ है यहाँ पे। सर
पुरानी तो नहीं है? पंकज, वो पड़ोसन को बुला के लाओ। सर, दो गोली हमारी। ये देखिए, छोटे जूते का निशान। लगता है ये निशान तो अन्या के होंगे, तभी उसके कपड़ों पे इतना सारा खून लगा हुआ था। मेरा दही उतरा, मेरा दही क्या हुआ आपको? यार जरा घर की तलाशी लो, देखो कुछ और मिलता है क्या। सर, कौन ही औरत आप जानती हैं इसे? ये तो मीना है। आजकल मैं यहाँ पे कुछ ऐसा देखा हो जो आपको अजीब लगा हो, या कोई अनजान आदमी यहाँ पे आया हो? हाँ सर, वो एक दिन पहले एक आदमी आया था, वो प्रिया से बहुत झगड़ा कर रहा था। ये नहीं चाहिए तुम्हें, ये लो रखो। कौन था वो? वो तो नहीं पता, पर जो कागज उन्होंने फाड़ के फेंक दिया था शायद वो चेक था। सर, प्रिया के नाम का चेक मिला है सर, देने वाले का नाम राजीव है। अच्छा, तो राजीव नाम था उसका। ठीक है, आप बाहर वेट करिए। राजीव का अकाउंट नंबर तो है, इसका एड्रेस निकालो बैंक से। आपको बताती हूँ तलाशी कैसे ली। क्या चल रहा है यहाँ पे? वो मैं एक औरत के गहने पे यहाँ तलाशी कर रही थी। उसने कहा था टैंकी के पास एक पैकेट है, वो पैकेट लाके मुझे उसे दे रहा था। इस काम के लिए वो मुझे 1,00,000 रुपए दे रही थी। सर, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे हाँ कर दिया। कहाँ पे देना था पैकेट और कब देना था? पूछा कौन है, जिसे बुलाया वो कहाँ है? हा? हमें एक आदमी को ढूंढ रहा है जो जहाज के कंटेनर में छुप कर इंडिया पहुंचा है। कदुमन, दो दो हड्डियां टूटी है सर, रिब्स की, ऊपर से धक्का दे दिया उन्होंने मुझे, बहुत दर्द हो रहा है सर। तो बचा कैसे? बेहोश हो गया था, फिर एहसास हुआ, दो तीन लोग आए, जूतों की नोक से हिला कर देखा, मैं चुपचाप पड़ा रहा, चले गए फिर उन लोग। हाँ, फोटो भेजी थी उन्होंने। सर आप बताते क्यों नहीं है दया को, अभिजीत को, बाकी सारे लोगों को कि मैं अभी भी जिंदा हूं? नहीं नहीं, बात फैल जाती है अपने दुवन, किसी ना किसी का मुंह खुल जाता है, दुश्मन सावधान हो जाएगा, तुम ऐसे ही छिप के काम करते रहो बस। हाँ सर। प्रद्युमन, मुंबई शहर पे भारी खतरा है, चुपचाप पता लगाओ कि अटैक कहाँ पे होने वाला है। खतरा तो बहुत बड़ा है ना? हाँ सर,
पता चला है? पता चला है सर। और भी अंडरग्राउंड हो जाओ, किसी को पता ना चले कि ऐसी भी चिंता है। भेस बदल के गुंडे बदमाशों से मिलते रहो, सब इसी चक्कर में है कि ऐसी भी मर चुका है। सर, जब तक इस कटोरे के सीने में चार चार गोलियां नहीं डालूं, तब तक चैन से नहीं सोऊंगा मैं। मरे हुए के सीने में गोली मार के क्या फायदा? मरा नहीं है वो सर। हाँ, कटोरी अभी भी जिंदा है। तब तो खतरा और भी बढ़ गया है सर। कटोरी का मरना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो मुंबई शहर को बर्बाद करके रखेगा। कटोरी को खत्म करना ही चाहिए। घबराना मत आन्या, बस तुम खाली अंकल को पहचान लेना, फिर हमें बता देना, ठीक है? हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ओके। आन्या? अंकल? अंकल? अंकल! आइए। आन्या? आंटी! अरे, हुआ कैसे? ये लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। लेकिन यहाँ पर आशु और इनकी प्रिया मौसी कहाँ है और क्या हुआ इसे? हमें आप लोगों से कुछ बात करनी है। आप आन्या की फैमिली को कैसे जानते हैं? हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं। इनके पेरेंट्स की अचानक मौत के बाद प्रिया के साथ साथ हम भी इनके गार्डियंस हैं। लेकिन ये तो बताइए हुआ क्या है? देखिए, आन्या के परिवार पे किसी ने हमला किया है और तब से प्रिया और आशु दोनों गायब हैं। अन्य आपके घर में आई है, आप इसे कुछ खिलाएंगे नहीं क्या? हाँ, क्यों नहीं, चलो अन्य अंदर, आज से तुम हमारे साथ ही रहोगी। नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं, मैं इनके साथ रहूंगी। लगता है बच्ची आपसे काफी घुल मिल गई है। हाँ ये तो है। ठीक है अन्य, ठीक है, आप हमारे साथ रहना, ओके? लेकिन अभी कुछ खा तो लो। अब तो मेरे साथ अंदर चलो, आपको मैं आपकी फेवरेट चॉकलेट खिलाती हूँ, ठीक है? चलो। आप बच्चे के गार्डियन हैं, और आपको मालूम नहीं वहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है वहाँ? घर में जबरदस्ती घुसकर वहाँ पे किसी ने तबाही मचाई है। वहाँ जो नौकरानी थे उसका खून हो गया है। आशु और प्रिया दोनों गायब है। लेकिन किसने किया ये सब? हम भी यही जानना चाहते हैं। तुम्हारा प्रिया के साथ चेक को लेकर झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था? बच्चों की देखभाल के लिए हर महीने मैं चेक दिया करता था, लेकिन उसने पैसे लेने से मना कर दिया। मैं चेक लेकर उसके घर पर गया तो मुझसे झगड़ा करने लगी, कहने लगी कि उसे अच्छी नौकरी मिल गई है जिसमें उसे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, फिर फॉरेन वगैरह भी जाने लग गई। बच्चों को अकेला छोड़ के? नहीं नहीं, जब वो फॉरेन जाती थी तो बच्चे यहाँ रहते थे। अच्छा, ये प्रिया बार बार विदेश जाती थी, घर में पैकेट छुपा के रखा था, कहीं यहाँ ड्रग्स का चक्कर तो नहीं? लाओ पैकेट मुझे दो। ये तो खाली है। ड्रग्स बहुत बुरी चीज होती है, समझी? मेरा ड्रग्स के बिजनेस में कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती हूँ। सजा तो तुमको मिलेगी। पहले ये बताओ, आशु और उसकी मौसी को कहाँ छुपा रखा है तुम लोगों ने? राणा कहाँ है? हमेशा तो वही मेरे बाल काटता है। बताए साहब,
राणा किसी जरूरी काम से बाहर गया है। साहब बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। पूछो। ये राणा कह रहा था कि आप बहुत ही पहुंचे हुए इंसान। साहब मेरे पास एक पार्टी है। साहब मेरी पार्टी जहाज में बैठकर छुप कर आई है स्विट्जरलैंड से, और कुछ लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं। क्या मांगता है? हथियार चाहिए। ये लिस्ट। ऑटोमेटिक गन्स, ग्रेनेड्स, अबे ये क्या है? रोकड़ा बहुत लगेगा, 50 लाख से ज्यादा हो जाएगा। तो फिर मीटिंग का प्रोग्राम फिक्स कर। चामुंडा वादी घाटी में छुप के बैठा है। ठीक है, हजामत तो एकदम फर्स्ट क्लास बनाता है। दूसरे कमरे में बंद करके रखा था, लेकिन मैंने अपने आप को छुड़ा लिया। मैंने उन्हें बता दिया है कि वो पैकेट मैंने कहाँ छुपा कर रखा है। अब वो पैकेट मिलते ही वो हमें मार देंगे। परेशान मत होइए, मैंने वो पैकेट वहाँ से हटा दिया है। तुम्हें कैसे पता चला? मासी हमारे पास टाइम है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो देखिए खिड़की, वहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। तुम जाओ बाहर और किसी से मदद लो। मैं तो चल भी नहीं पा रही। मासी आपको अकेला छोड़ के नहीं जाओ, नहीं तो मेरे वजह से तुम भी फंस जाओगे। जाओ। भागे बच्चा, ढूंढो जरा उसे। बाहर लड़का, बोल बच्चा बाहर, बोल दिया ढालू। आशुर उसकी मौसी गएगा। अंकल मुझे आपको फोन चाहिए, 2 मिनट। लेकिन हुआ क्या है बेटा? अंकल वो लोग आ जाएंगे, प्लीज आपको फोन चाहिए। ओके ओके। हेलो पुलिस अंकल, पुलिस अंकल मेरा नाम आशु है और मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, वो लोग मुझे मार डालेंगे। रुको, इसके पास तो गन है। भागो अंकल। मल्लिका ने जिस घर में बताया था आशु और प्रिया हैं, वहां तो कोई है ही नहीं। ऊपर से आशु का फोन इस जंगल से आ रहा है, पता नहीं वहां से यहाँ कैसे आया वो। एक मिनट। आने बेटा।
आप यहीं अंदर रहना, ठीक है? ओके अंकल। सर, ये तो मर चुका है। गोली मारी है। वो क्या है? कमाल है, आशु ने जहां से फोन किया था वहां पे गोलीबारी हो रही है। पता नहीं बेचारा कहां होगा। जिस फोन से उसने कॉल किया था, जरा पता करो उसकी लोकेशन इस वक्त कहां पे है। फोन के जीपीएस के मुताबिक उसका लोकेशन तो इसी एरिया में, पर सर जंगल की तरफ। चलो वहां चल के देखते हैं। रेडी, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। सर यहीं पे है, आगे यहीं कहीं। तो इस फोन से आशु ने फोन किया था, लेकिन सर आशु आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ मैसेज टाइप कर रहा था। रिमझिम 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 कौन है? डॉल। रिमझिम तो ये अन्या की डॉल का नाम है। सर इसका मतलब आशु उस डॉल की तरफ इशारा कर रहा था, शायद हमें कुछ बताना चाहता हो। देखते हैं। मुझे दो मिनट के लिए जरा रिमझिम से बात करनी है, थोड़ा बात कर सकता हूँ? थैंक यू। रिमझिम, थोड़ी सीक्रेट बात है, बाहर कर लो। ओके। मैं आप बाद में बताऊंगा आपको, हैं? सर इस डॉल में ऐसा खास क्या है? वही तो, आशु ने फोन पे रिमझिम लिखा है, ऐसा लगता है जल्दी जल्दी में हाथ से सिला गया है। सर आशु ने तो नक्शा बनाया है। ये बॉक्स के अंदर ये पैकेट क्या हो सकता है? शायद आशु के घर में जो ड्रग्स थी वो उसने यहाँ छुपा दी, और ये उसका नक्शा लगता है। चल, बहुत गोल गोल घुमाया ना तूने, तुझे पता था ना कि माल कहाँ छिपा है, फिर भी हमें भटकाता रहा। अब अगर यहाँ नहीं मिला ना तो देख मैं क्या करता हूँ। अंकल सच में मैंने यही छुपाया है। देख छोटे उस्ताद, बहुत उल्लू बनाया तूने हमें, अगर इस बार तेरी बात गलत निकली ना तो तुझे मारने से पहले तेरी बॉक्स भी उड़ा दूंगा। नहीं नहीं मुझे कुछ मत करना, मैं बता रहा हूँ ना यही छुपाया मैंने। पंचो देख जरा इसके साथ, चल चल चल। आशु
राजीव तुम? प्रिया के साथ साथ हम भी इनके गार्डियंस हैं। रानी बिल्ली, तूने क्या सोचा कि तू राजीव का माल चुरा लेगी और राजीव कुछ नहीं करेगा? अंकल, आप ये सब हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? हम तो आपकी फैमिली है ना? बेटा बिजनेस है, तुझे समझ में नहीं आएगा। माल मिल गया, इनको खत्म कर। नो, अंकल हमें छोड़ दीजिए ना। अंकल, अंकल आप तो मेरे डैडी जैसे हैं ना। बेटा ये रिस्क मैं नहीं ले सकता हूँ। सुनो, मेरे बेटे जैसा है, थोड़ा प्यार से। अंकल, राजीव, 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 मैंने तुम्हारे लिए काम किया है, राजीव। बच्चे को मारकर पानी में फेंक दूंगा। अंकल प्लीज मुझे छोड़ दो। अंकल प्लीज मुझे रहने दो। अरे आशु भैया, मैं तो बाहर क्यों आई? प्लीज आशु भैया को बचा लीजिए, उन्हें तैरना नहीं आता। कुछ नहीं होगा बेटा, घबराओ मत। चलो वो डूब जाएंगे, अंकल प्लीज बचा लीजिए उन्हें। अन्या तुम अंदर जाओ, निकल जाओ वरना इसको मार दूंगा मैं। चलो उस तरफ आ जाओ। बचाओ, बचाओ। अमिश अंकल, पैसों की लालच की वजह से इन दोनों बच्चों को अपनी जान से खेलना पड़ा। सब मेरी गलती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब राजीव अंकल ने किया था। और मुझे पता चल गया था कि मौसी कुछ गलत काम कर रही है, लेकिन मैं चाहता था कि उन्हें पुलिस पकड़ के ना ले जाए। इसीलिए तुमने वो ड्रग्स यहाँ पे छुपा दी और उसका नक्शा आन्या की डॉल में। क्यों? वो डॉल में पुलिस तक पहुंचाना चाहता था ताकि उन्हें पता चल जाए कि ड्रग्स कहाँ है। यार तुम तो बहादुर होने के साथ साथ होशियार भी हो, हैं? तो आप मौसी को ले जाएंगे? देखो बेटा, मौसी ने जो कुछ किया है उसकी सजा तो इन्हें भुगतनी पड़ेगी। पर अंकल, अंकल आप मुझे और आन्या को अकेला कर दोगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। देखो अब तुम लोग बहुत छोटे हो, अकेले तो नहीं रह सकते ना। क्या हम इन्हें अनाथ आश्रम भेजेंगे? लेकिन सर ये दोनों अलग अलग कैसे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं रहेंगे।
मेरे एक दोस्त हैं, हस्बैंड वाइफ, उन्हें किसी बच्चे को गोद लेना था, तो वहाँ पे तुम दोनों एकदम खुश रह गया हैं? अंकल ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हमें अनाथ आश्रम में नहीं जाना पड़ेगा और हम दोनों साथ में भी रहेंगे। पर अभिजीत अंकल। अरे बेटा आप परेशान क्यों होते हो, हम लोग आते रहेंगे, आप लोगों से मिलते रहेंगे, इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपको कोई परेशानी ना हो, हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, चॉकलेट खाएंगे। वेरी गुड। पहुंचता ही होगा, यहीं मिलने आना था उसे। कोई आ रहा है। लगता है वही है। एसीपी ही है। शूट। लगता है छुप गया है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.